हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 20th ऑफ अक्टूबर और 21st ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोज लगातार हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि राजनाथ सिंह अप्रूव्स न्यू डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020। तो यानी पूरा अगले साल किस तरीके से डीआरडीओ का एक रोड मैप रहने वाला है, किन किन कंपनी से क्या क्या प्रोक्योर करना है, ठीक है, उसको लेके जो है पूरा एक मैनुअल है जिसे फाइनली अब राजनाथ सिंह जी ने भी अप्रूव कर दिया है। सो द न्यू डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल विल फैसिलिटेट द इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसेसेस एंड एंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं जो है डिफेंस सेक्टर, जैसे आपको पता है, एक ऐसा है जिसमें अभी भी इंडिया बाहर की कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया। जैसे भी हाल ही में जो भी हमने रफेल जेट्स लिए वो फ्रांस की एक कंपनी से लिए। तो किस तरीके से जो है इंडियन कंपनीज जो डिफेंस के सेक्टर में काम कर रही है उनको जो है उनको इसके अंदर पार्टिसिपेट की करवाया जाए, इन्वॉल्वमेंट कराया जाए, ताकि हम डिफेंस सेक्टर में भी जो है वो सेल्फ रिलायंट हो। तो इसके लिए एक तो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, बाकी उनका भी ये भी इंश्योर करना कि वो भी पार्टिसिपेट करे, चाहे वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट के काम में, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिस है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि दैट दिस पॉलिसी, जो ये प्रोक्योरमेंट मैनुअल है, इट विल एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड ऑल्सो टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। तो किस तरीके से डिफेंस की फील्ड में भी हम सेल्फ रिलायंट हो, इसको लेके जो है पूरा प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है वो रिलीज किया गया था कुछ टाइम पहले, डिफेंस मिनिस्ट्री के आगे रखा गया था प्रपोजल और फाइनली डिफेंस मिनिस्टर ने जो है इसको अप्रूव भी कर दिया, ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम। तो भारत का पहला इस तरीके का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है असम के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन कल खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने किया है। अगर बात करें इसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, तो इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द भारतमाला परियोजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें देखिए, जो भारतमाला परियोजना, इसके अंदर जितने भी हमारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो है, ऐसी सिटीज जो है, जहां पर अभी भी उस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो रोड के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, या रेल के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाना जो है, वही इस भारतमाला परियोजना का एक एम है। और जो जहां तक बात है इस लॉजिस्टिक पार्क की जो असम में बनाया जा रहा है, इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू एयर, रेल, रोड एंड वाटरवेज टू द सिटीजंस ऑफ असम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आपको बता दें कि असम जो एक तरीके से, या हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, एक तरीके से गेटवे है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है ना, जहां पे आप देखेंगे असम के बाद जितनी हमारी बाकी की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो पूरा एक तरीके से उनको जोड़ने का काम करेगा ये प्रोजेक्ट। और अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, तो अराउंड 693.97 करोड़ रुपीज एस्टिमेट की गई है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जो कि बनाया जा रहा है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि इससे अराउंड 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो कल आप देख सकते हैं जब इसे इनॉग्रेट, इसके फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था, तो उसके विजुअल्स हैं। देन अगर थर्ड करंट अफेयर की बात करें, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल था कि 10% हाइक किया जाए पोल स्पेंडिंग के अंदर इलेक्शन के अंदर। आपको पता है देखिए, अभी हाल ही में अभी होने वाले हैं बिहार के अंदर असेंबली इलेक्शन, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर और बाकी के इलेक्शन। तो खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा था। एक तो आज के टाइम पे आपको देखो उतने बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी रैलीज नहीं हो पा रही है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीजों के एक्सपेंसेस जो है, इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि 10% का हाइक किया जाए, जो पोल स्पेंडिंग की एक कैपिंग रखी गई है, चाहे वो हर स्टेट इलेक्शन के अंदर होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं। तो उसको फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। और आपको जयपुर से बिहार असेंबली इलेक्शन से जस्ट पहले ही इसको अप्रूव किया गया, तो आप देख सकते हैं कि अब ये बिहार असेंबली के इलेक्शन से ही एप्लीकेबल होगा। और इसके रिगार्डिंग जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है नोटिफाई भी कर दिया उस अमेंडमेंट को, जो कि है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो उसके अंदर ये अमेंड कर दिया है कि 10% अब और हाइक जो है वो इसके अंदर कर दिया गया, जो स्पेंडिंग है उसमें। तो इसके लेके देखिए, रिक्वेस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी इलेक्शन कमीशन को कि एक तो कि ये लिमिट बढ़ाई जाए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से एक तो बड़े बड़े, मैंने पता है, रैलीज नहीं हो पा रही, तो छोटी छोटी रैलीज करनी पड़ेंगी तो ज्यादा होगी। इसके अलावा डिजिटली जो है वर्चुअली बहुत सारी रैलीज होंगी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसके अलावा चाहे वो मास्क, पीपी किट, सैनिटाइजर, सोप, थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीजें भी परचेज करने में जो है खर्चा
कैंडिडेट्स का भी और ओवरऑल पार्टीज का भी होगा। इसकी वजह से 10% का हाइक किया गया है। और पिछली बार जब इस इंक्रीज की बात की गई थी तो वो 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरीके के ये स्पेंडिंग के में इंक्रीज की बात की गई थी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिन्होंने मास्क के ही प्राइसेस पर कैपिंग कर दिया है। ठीक है, आपको पता है, देखिए इस टाइम पे कल भी प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अभी भी देखिए COVID-19 आपको पता है तेजी से स्प्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है ये बात ठीक है कि अब हमने मार्केट खोल दिए हैं, लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए खतरा तो बना ही हुआ है। तो इसके लिए चाहे वो मास्क हो गए, सैनिटाइजर, सोप, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का खास ख्याल रखना ही है। तो मास्क को लेके पहला ऐसा राज्य बन चुका है महाराष्ट्र जिन्होंने इसके प्राइस पर कैपिंग कर दी। जहां तक N95 मास्क की बात है तो उसका जो है 19 से 49 रुपीज के बीच में वो सेल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि जो 2 लेयर और 3 लेयर के मास्क है उसकी कॉस्ट 3 से 4 रुपए। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लिमिट है वो एप्लीकेबल होंगी जितने भी मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है या रिटेलर्स है स्टेट के अंदर। क्योंकि देखिए इसमें बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे केस सामने आए थे जहां पे इसकी होर्डिंग भी हुई थी और बहुत महंगे महंगे प्राइजेस पर इनको मार्केट में सेल भी किया गया था, इन मास्क वगैरह को। और दिस विल दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ मास्क एंड इट्स फिक्स मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। उनको जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर्स है, उनको मास्क की क्वालिटी क्या है और उसका फिक्स मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, कोविड केयर सेंटर्स या डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स है उनको भी जो है उन पर भी लिमिट की रखी गई है कि वो 70% तक ही जो है वो चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लिमिट का। ठीक है, तो आप ये मेन नोट डाउन कर ले कि कौन सा ऐसा फर्स्ट कंट्री पहला स्टेट है जिसने मास्क के प्राइस पर कैपिंग करी है, तो वो है महाराष्ट्र। और आज का हमारा आखिरी अपडेट है वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो कि हम हर साल 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए क्यों इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए, अगर मैं बात करूं कि जैसे भी हाल ही में जो अभी हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था, तो देखिए ये सब चीजें जो है स्टैटिस्टिक्स का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तभी इसी तरीके के इंडेक्स हो गए, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े आप देखते हैं वो जो रिलीज होते हैं, या पूरा बजट भी बनता है, तो उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए जो इस दिन को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर द प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर बात करें इस बार के थीम की तो वो क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा वी कैन ट्रस्ट, यानी जो डाटा होना चाहिए जो किसी भी कंट्री से बाहर निकल के आता है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे देश आप देखेंगे है जहां पे एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, और वहां पे अगर आप देखेंगे जो डाटा निकल के आते हैं वो जो वहां पे रूलिंग पार्टी होती है वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग वो डाटा रिलीज करते हैं। ठीक है, या वो गलत भी होते हैं कई बार। तो इसलिए जो है डाटा तो देखिए आना चाहिए बाहर जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, लेकिन वो ट्रस्टेबल भी होना चाहिए, इसलिए इस बार का ये थीम रखा गया है। सो दैट दिस थीम रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट भी बहुत है, देखिए डाटा आना एक चीज है लेकिन वो ट्रस्टेबल भी होना चाहिए। अगर जीडीपी के आंकड़े हैं तो वो सही होने चाहिए, ऐसा नहीं वो गलत हो। ठीक है, इसके अलावा और भी जितने जैसे होते हैं डाटा आपको पता है, या वो डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए और जो वहां के लोग हैं रहने वाले उनका उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए वहां के स्टैटिस्टिकल सिस्टम पे। ठीक है, इस ओकेजन पर यूएन के जो एट प्रेजेंट चीफ है मिस्टर एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कहा है कि जो करंट और रिलायबल डाटा है आर द की टू अंडरस्टैंड आवर चेंजिंग वर्ल्ड। और इस चेंजिंग वर्ल्ड को समझने के लिए एक तो डाटा रिसेंट होना चाहिए और वो रिलायबल होना चाहिए। और पहली बार जो ये दिन हमने कब ऑब्जर्व किया था, 20 अक्टूबर 2010 को। उसके बाद से जो है ये लगातार ये दिन हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हर साल जो है 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसका थीम जरूर नोट डाउन कर ले और हम किस दिन ये ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर इसके अलावा आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि takshilalearning.com। और अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट हैं तो आपको वहाँ पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब आपको इसके अंदर हमारे कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। Thank you.